हेलो डियर फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। अगर आप कुवैत टू सऊदी अरबिया उमरा के लिए जाना चाहते हैं या आप कुवैत टू इराक करबला ज्यारत के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास कुवैत से जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, या आप किसी और कंट्री में वीडियोस देख रहे हैं तो उस कंट्री के हिसाब से जब आप उमरा के लिए या करबला ज्यारत के लिए जाओगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको तैयारी करना पड़ती है, और पासपोर्ट है आपका, सिविल आईडी है या आधार कार्ड है, जो भी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, और कैसे क्या हिसाब से आप जाएंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत सारी सिचुएशंस मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी करबला और उमरा कर चुका हूं और फिर दोबारा मैं जा रहा हूं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ आपको पता नहीं होती, तो आज इस वीडियो में पूरा आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल जो आपके पास, देखिए भाई अभी मैं कुवैत से शुरुआत कर रहा हूँ, कुवैत टू सऊदी दुबई नहीं उमरा के लिए अगर आप सऊदी जा रहे हैं या करबला जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास जो है ना वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब पासपोर्ट तो सबके पास होता है, क्योंकि बगैर पासपोर्ट के तो आप जाएंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में पासपोर्ट जो है ना आपका, वो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो आपका, ये मान के चलिए कि अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से अगर आप जा रहे हो, कुवैत से, जहाँ से भी जा रहे हो, तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जो होती है वो कम से कम 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका पासपोर्ट होगा वो आपका करीबन 6 मंथ बाद का एक्सपायर होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप जा सकते हो। वैसे फिलहाल रिन्यूअल करा के रखिए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कभी कभी होता है क्या ना, यहाँ पर कुवैत है, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, किसी का 18 नंबर वीज़ा है, किसी का 20 नंबर वीज़ा है, तो ऐसी कंडीशन में वीज़े की सिचुएशन के बेस में डॉक्यूमेंट्स में तब्दीलियाँ हो जाती हैं, तो भाई जानना बहुत ज़रूरी। इन फ्यूचर अगर आप जाओगे या कोई जा रहा हो तो उसको वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर कुवैत में जब अगर आदमी कोई भी जॉब करता है तो उसकी सिविल आईडी बनती है, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने एक आध दोस्त से भी लिया है जो आपको वीडियो में पूरा दिखाने के लिए। तो जैसे पासपोर्ट हो गया, इसकी वैलिडिटी आपकी 6 महीने से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुवैत में जो जॉब करते हैं उनकी जो सिविल आईडी होता है, यानी कि आधार कार्ड जो होता है, वो सिविल आईडी पे जो एक्सपायरी डेट होती है वो एक्सपायरी डेट 3 महीने से ऊपर होना चाहिए। जैसे सपोज करो भाई आज जो है जून का महीना चल रहा है, ठीक है, अब आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि वो सितंबर में या सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में एक्सपायर हो रही हो, 3 महीने से ऊपर का एक्सपायरी हो, तो आपका, यानी कि आप कुवैत से उमरा के लिए जा सकते हो, वापस आ सकते हो, कुवैत से इराक जा सकते हो, वापस आ सकते हो। तो ये कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि अगर आप कुवैत में जॉब कर रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा है, आप जा सकते हो। लेकिन अब बात आती है, इसको मैं किनारे रख देता हूँ, अब बात आती है कि वीज़ा जो आपका है वो 20 नंबर है, सपोज करिए आपका खादिम वीज़ा है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक डॉक्यूमेंट्स एक लोगों से लिया है और मैं उसकी क्लिप भी लगा दूंगा, लेकिन क्लिप लगाने का कोई मसला नहीं बनता। दरअसल अब ये डॉक्यूमेंट्स बनेगा कहाँ, अब 20 नंबर वीज़ा वाले ध्यान से सुनो भाई, वो कागज़ ये होता है भाई, ठीक है। अब इस कागज़ को मैं दिखा रहा हूँ, ये कागज़ ये होता है, ठीक है। अब ये कागज आपको बनवाना पड़ता है, लेकिन ये आप नहीं बनवा सकते, जो 20 नंबर वाले वीजा वाले हैं उनका जो मेन अथॉरिटी कफील जो होता है वही बनवा सकता है। अब आप कहो कि भाई मैं आज़ाद काम करता हूं और आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ गई, तो आपका जो कफील अकामा लगाता है वही कफील आपको बनवा के देगा। अब इसको बनवाने में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल सिविल आईडी लेके जाएगा, अपना सिविल आईडी लगाएगा, तो वो परमिशन एक लेटर एक तरीके से हो गया ये कि मैं परमिशन देता हूँ कि अपने में खादिम काम करने वाले जो भी मेरा क्या बंदा काम करता है, ड्राइवर, हारिज या कुक वगैरह जो भी हम, तो उसको मैं परमिशन देता हूँ कि वो उमरा कराए, या उसको मैं परमिशन देता हूँ कि वो भाई जा करके करबला की ज्यारत कराए, तो वो कफील एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स इस ऑफिस में जा करके देता है। अब बहुत से लोगों को जाना है अगर इन फ्यूचर करबला या इन फ्यूचर उमरा करने के लिए कुवैत से, तो ये डॉक्यूमेंट्स कोई एजेंट नहीं बनवाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी रिपीट कर दिया, अभी फिर से मैं रिपीट करता रहूँगा, आपका कफील ही बनवाएगा। लेकिन इसमें सिचुएशंस क्या होती, बहुत सारे कफील को पता ही नहीं होता है कि भाई इसकी मतलब कि इसकी लोकेशन क्या है, इस डॉक्यूमेंट्स जहाँ बनता है इसका एड्रेस क्या है, तो लगभग एक तरीके से पुलिस का ऑफिस होता है। लेकिन आप परेशान ना होइए, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए,
मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स जहां बनता है वो ऑफिस पर जाकर के आपको भाई लोकेशन पे पहुंच जाएंगे और वहां पर ये सब डॉक्यूमेंट्स देकर, यानी कि अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल सिविल आईडी, ये अपने कफील को देंगे और साथ में लोकेशन का लिंक देंगे। लिंक मैंने डाल दिया है, इन फ्यूचर हमेशा के लिए ये आपके लिए सुविधा हो जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं ना, अगर आपने अमाफा हर्बल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे पहुंचिए, डॉक्यूमेंट्स 10-15 मिनट के अंदर आपका बन के मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब मेरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया, अब भाई 3 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ओरिजिनल की कैटेगरी में हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, किसी भी कंट्री में जाने के लिए वीजा चाहिए, तो वीजा का हेडेक आपका नहीं ना, जो एजेंट आपको उमरा के लिए ले जा रहा है, जो एजेंट आपको करबला ज्यारत के लिए ले जा रहा है, वो आपका पासपोर्ट और सिविल आईडी की जीरोक्स कॉपी से वीजा इशू करवाएगा या आप एम्बेसी वगैरह जाकर के अपनी प्रक्रिया से खुद करा सकते हैं, नहीं तो फिर वो एजेंट के जरिए से ही आपका वीजा मिल जाएगा। अब वीजा वगैरह मिल गया, ये डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो सिविल आईडी है आपकी और ये जो पासपोर्ट है, ये तो भाई आपका ओरिजिनल है ना, आपका कहीं जाएगा नहीं, ये सब चेक होगा बॉर्डर पे, ठीक है, अब्दली बॉर्डर हो या सऊदी का बॉर्डर हो, वहां पर ये सब चेक होगा। और ये डॉक्यूमेंट्स की आप एक फोटो खींच करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं इसकी फोटो कॉपी कराइए, आप इसको डॉक्यूमेंट स्कैनर में जाके स्कैन करिए और स्कैन करा के रखिए, ठीक है। और एक चीज, ये डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल हो या फोटो कॉपी हो, जो भी हो, ये आपका जाकर के बॉर्डर पे, जो भी आपका कुवैत का बॉर्डर होगा वहां पर ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिया जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं भी लिया जाता भाई, ये भी आप लोग ये ना समझिएगा पत्थर की लकीर होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो, सपोज करो कि मेरा शून है और आपका खादिम है, किसी और का खादिम है, अब किसी ने एक ने दिया और 2-3 खादिम निकल गए तो वहाँ पर थोड़ी ढिलवाई दे दी जाती है, लेकिन कभी कभी मामला सख्त हो जाता है, इसलिए इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बॉर्डर पर जाकर के वापस ना हो, एक छोटे से नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है और ना ही आपके जेब ढीली हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में बनवा के रखो, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपका मामला ओके रहेगा और नहीं ज़रूरत पड़ी तब भी क्या जाता है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए, अगर आपका मामला ऐसा होता है कि कफील आपका दूसरा है, आप उसके टच में नहीं हो, आप कहीं और काम करते हो, आपका सुनता नहीं, फ़ोन नहीं उठाता, या आपके काम के हिसाब से वो जाएगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में भाई अल्लाह मालिक है, जहाँ से भैया बुलावा आया है वहां से आप तो पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई सूरत से, तो अल्लाह आपकी मदद कर देगा। ऐसे सिचुएशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होगा तब भी आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे और सही सलामत अपनी जॉब पर दोबारा भी आ जाओगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, ये बॉर्डर पर जमा होगा, ये आपके पास ओरिजिनल रहेगा। अब ये तो भाई डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई कि 3 महीने से आपका सिविल आईडी और आपका 6 महीने से आपका वैलिडिटी होनी चाहिए, कहा कि पासपोर्ट की। अब ये आपका मामला ओके हो गया डॉक्यूमेंट्स का। अब देखो भाई, कुल मिलाकर के अगर आपको कहीं भी उमरा के लिए जाना है तो उमरा के लिए एहराम आप चाहो तो जिस एजेंट के जरिए से जा रहे हो, या जहां पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आप कुवैत से उमरा के लिए कितने चीपेस्ट पैकेज क्या है, अगर आप यूट्यूब पर टाइप करोगे चीपेस्ट पैकेज उमरा, चीपेस्ट पैकेज 2023, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, एहराम वगैरह आपको देते हैं, एहराम में बेल्ट वगैरह देते हैं। अब एहराम से रिलेटेड और करबला से रिलेटेड भी थोड़ी सी आप बातें सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। अब देखो भाई, कुल टोटल मिलाकर के एहराम जब पहनता है आदमी तो वहाँ पर पर्स, बटुआ, मोबाइल तो रखता नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी सिचुएशन हो कुछ चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो बाद में आप रिकॉर्ड कर लेना उमरा करने ख़त्म करने के बाद, क्योंकि वीडियो में आप इधर उधर देखोगे, उमरा करते वक्त आपको इधर उधर नहीं देखना है, उसका एक अलग रूल्स है कैसे उमरा किया जाता है। कभी आप कमेंट करोगे तो मैं किसी का इंटरव्यू लेकर के भी और इसके अलावा अपनी तरफ से भी नॉलेज आपको दे सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक बेल्ट होती है तो बेल्ट में अपना पैसा थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत आप अपना सामान रख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप उमरा करने के लिए जा रहे हो कुवैत से या किसी भी कंट्री से, तो आपके पास कुछ पैसे होना चाहिए वहाँ की करेंसी के हिसाब से, क्योंकि आपको जब वहाँ पर कुछ खरीदारी करना है या कुछ पैसा देना है, कुछ खाना पीना है, तो वहाँ की करेंसी आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप करबला जा रहे हो तो वहाँ की भी करेंसी होना चाहिए। अब आप करबला भाई अरबईन में जा रहे हो या आम दिनों में जा रहे हो भाई, तो उसके लिए आपके पास करेंसी होना चाहिए। अब करेंसी की जहाँ तक बात आती है, फिलहाल यहाँ का कुवैत का 1 दिनार और इराक का करीबन 4,500 दिनार के आसपास मिलता है। तो ये मैं कुछ करेंसीज लेकर के आया हूँ,
और ये करेंसी में मुझे दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप परेशान ना हो। अब देखो भाई, ये जैसे 50,000 का नोट है, ये भी देखो भाई, ये 50,000 का इधर इंग्लिश में लिखा हुआ, इधर उसमें लिखा हुआ, ये 50,000 का, ये 50,000 का, 20-20,000, 25-25,000 का, और बाकी 1-1,000 का है, यानी कि कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपया इस तरीके से है। तो ये रुपया आपको रखना है। इसके अलावा अगर आप कुवैत से जा रहे हो तो परेशान ना हो, कम पैसा है तब भी चलेगा। वहां पर जो छोटे दुकानदार हैं उनको आप इराकी दिनार दो, और जो बड़े दुकानदार हो उनको आप कुवैत का दिनार भी दे सकते हो। बस आप में फ़र्क क्या आएगा, क्योंकि मैं जब गया था यहाँ से तो मुझे भी ऐसे सिचुएशन में पैसे मेरे ख़त्म हो गए थे, तब मैं 1,60,000 दिनार लेके गया था यहाँ से कुवैत से, जो कि मेरे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बहुत सारी परचेसिंग जो की वो दिनार में की। अब वहाँ पर जब दिनार दे रहे हैं तो जो वहाँ पर 3,000, 4,000, 5,000 कोई चीज़ का रेट है, तो उसी हिसाब से हम उसको जो है, जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिए कि 20,000 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो ऐसे कंडीशन में 4,000 रुपये के हिसाब से और 4×16 = 4×5=20, 5 दिनार उसको दे दिया तो मामला हो गया। अब वो अपना एक्सचेंज कराएंगे, वो उनका हेडेक है। तो कुवैत का दिनार भी, कुवैत करेंसी जो है ना, वो इराक करेंसी में चलती है। देखिए, छोटे दुकानदार उसको लेते नहीं ना, बड़े दुकानदार ले लेते हैं, कोई ले ले तो बात अलग की। तो आपको सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा ये करेंसी होनी चाहिए, और करेंसी के अलावा जब भी आपके पास करेंसी है, आप पहुंच गए, तो आप भाई एक जोड़े में रहो, चाहे दो जोड़े में रहो, और चाहे होटल में रहो, चाहे जैसे जैसे अरबईन वगैरह में जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग होटल में नहीं रहते, चाहे जैसे रहे, वो तो सब आपको पता ही है, वो सब आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो बहुत सारी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में अगर मैं कुवैत से जब गया था तो मुझे भी करीबन वहाँ जाने पर, वहाँ पर बहुत सारे अरबईन में एक्सचेंज वाले टेबल लगा करके नोट की गड्डियाँ लेकर के बैठे रहते हैं, जबकि वहाँ पर लाइन लगती है कि हाँ भाई मुझे कराना है। तो जैसे कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, तो वहाँ की करेंसी भी कन्वर्ट हो सकती है किसी भी कंट्री की। तो होता क्या ना, जैसे मान लो भाई 1 दिनार का मुझे कुवैत में 4,500 दिनार इराकी मिला, लेकिन जब मैं अरबईन में या वैसे सिचुएशन में कभी जाऊंगा तो वहां पर मुझे बार्गेनिंग भी करना पड़ सकती है। जैसे मान लिया कि वो 4,500 नेट पे दिखा रहा है, तो आपका इराक में जो वहाँ पर एक्सचेंज वाले बैठे रहेंगे तो वो आपको 3,000 भी देंगे, 3,500 भी देंगे, आपकी मर्जी, आप खोल लो। यानी कि 1 दिनार पीछे आपका 1,500 दिनार जो है खसारा जाएगा, ठीक है, 1,500 नहीं, वो करीबन 6-7 हज़ार दिनार के हिसाब से खसारा जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर जो मैंने रेट चेक किया 1 दिनार तो इराकी दिनार में, तो करीबन ये 4,229 रुपये के हिसाब से आया, लेकिन मैं ईरानी मार्केट से अभी एक्सचेंज करा कर लेकर के आया उस अमाउंट को, तो करीबन ये जाकर के 1 दिनार का करीबन 4,500 दिनार दिया, यानी कि 250 रुपया मुझसे, यानी कि मुझे ज़्यादा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मेरा करीबन 2,27,500 कुछ हो रहा था, तो उन्होंने राउंड फिगर में करके पूरा 1,000 का नोट दिया। तो ये तो उनका बड़प्पन है कुवैत में कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अमाउंट दे देते हैं या आपको अच्छा रेट देते हैं, लेकिन ये रेट आपको इराक जाने पर वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ घटाबड़ हो जाता है और मामला कुछ 2-4 रुपया उनका भी कुछ इनकम वगैरह का सिस्टम रहता है एक्सचेंज वालों का। तो बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके जाएं। इसके अलावा दोस्तों, अब सवाल अब ये उठता है कि अगर मैं 2-2.5 लाख रुपया इराकी दिनार लेकर के गया, चाहे मैं इंडिया से, कुवैत से, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या नेपाल, पाकिस्तान, कहीं से भी अगर मैं लेकर के गया इराकी दिनार ज़्यादा अमाउंट, तो जब आप लौटोगे तो आपको तो जो खरीदारी करना, खरीदारी करना जो बचेगा वो तो घर लेकर के आओगे। अब मैं कुवैत लेके आऊँगा, मैं इंडिया लेकर के आऊँ, तो ये पैसा भी एक्सचेंज हो जाता है हमारे अमाउंट रुपये में और दिनार में। तो हम यहाँ पर जाएंगे, जो भी अमाउंट बचा रहेगा, जैसे मान लो 25,000 रुपया है तो 25,000 दिया, तो वहाँ पर 4,000 या 100-200 कम, क्योंकि रेट फ्लैक्चुएट होते पर डे के हिसाब से, तो वो हिसाब से आपको 3-4-5 दिनार जो भी अमाउंट बचा रहेगा वो आपको पैसा वापस हो जाएगा, इराकी दिनार इनके तक पहुंच जाएगा। तो ये सिचुएशन थी आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स और इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो भी आपके बैग में झोले में रहेगा वो तो भाई आपको सबको पता है कि 2 जोड़ा रखो भैया, मंजन ब्रश रखो और चलते बनो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा दिन तक कोई स्टे तो करता नहीं ना। तो ऐसे कंडीशन में अपने हिसाब से तैयारी आप कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि हम उमरा करने जा रहे हैं, वहाँ से तस्बीह है, सिजदेगाह है, जा नमाज है, हम ला करके अपने गांव दोस्त अहबाब वालों को बांटेंगे या करबला से लेकर के बांटेंगे, तो ऐसे सिचुएशंस में अपने अमाउंट को रख लीजिए और कुछ अपने कंट्री की भी करेंसी को रख लीजिए जो कि कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ करेंसी ऐसी जो कन्वर्ट नहीं होती, जिनकी करेंसी एकदम उनके हालात ख़राब हैं, जैसे कि मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, अगर उनके हालात बहुत ख़राब है तो ऐसी करेंसी जो है कन्वर्ट होने में थोड़ा
दिक्कत आती है, लेकिन रखे रहिए, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आपका छुट गया है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। इसके लिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मां सलाम, अल्लाह हाफिज़, खुदा।